हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर YouTube चैनल। और गाइस, फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल हमें कब देखने को मिलेगा, Amazon का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल कब आएगा, OnePlus Nord Lite की प्राइस पॉइंट क्या आएगी, इंडिया में कब देखने को मिलेगा, एज वेल एज 15,000 रुपए में बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे कल कॉमेडी पोस्ट पे पूछे थे। तो गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 140 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आपके गरमागरम क्वेश्चंस का गरमागरम रिप्लाई देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो सी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हम 2000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, कल के दिन हमने एक वीडियो डाले थे नोकिया 5.3 के ऊपर, क्योंकि इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च हो सकता है, क्या प्राइस पॉइंट पर होगा, क्या स्पेक्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप नॉन चाइनीज स्मार्टफोन का वेट कर रहे थे 10 से 12,000 की रेंज में, तो नोकिया 5.3 का वीडियो जरूर से देख लेना। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर सलीम अहमद बोलते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन एक्सिनोस प्रोसेसर, व्हाई एवरीवन डोंट लाइक देम। और ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट विल you choose old flagship processor versus new mid-range processor। तो देखो भाई, Exynos के processor से problem नहीं है, लेकिन जो Exynos का कौन सा model वाला processor यहाँ पर Samsung देता है, उससे लोगों को problem होती है। देखो, Exynos का Note 20 Ultra में भी use करा गया इंडिया में processor, जो कि काफी powerful है। वो अगर mid-range में देखा तो भाई Exynos का सभी लेना पसंद करेंगे। लेकिन जो 9611 है ना, Snapdragon 675 के comparison का processor है, तो Exynos का कम वाला, कम powerful वाला chipset वाले यहाँ पर provide कराते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग भड़क। अगर 730G के equivalent अगर Exynos का provide करेंगे, same Antutu score रहेगा, same performance मिलेगा, तो किसको कोई Exynos से problem नहीं है। फिर Samsung जानबूझ के करता है, कम वाला यहाँ पर chipset का इस्तेमाल करता है, इसलिए लोगों को यहाँ पर दिक्कत होती है। दूसरा सवाल का जवाब ये है, क्या मैं यहाँ पर old flagship processor लूँगा या नया mid-range processor? तो I will still go with old flagship processor, क्योंकि जो flagship processor में जो है optimization हो गया, और उसका जो GPU वगैरह न्यू वाले से यहाँ पर काफी powerful रहता है। For an example, 2 साल पुराना Snapdragon 845 है, वो 730G से काफी बढ़िया है बहुत सारे मामलों में। तो मैं यहां पर ओल्ड फ्लैगशिप प्रोसेसर लूंगा इस कंपेयर टू नए मिड रेंज वाले प्रोसेसर से। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर पाइमान गेमर, ये बोलते हैं, OnePlus Nord Lite स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस प्लीज पिक माय क्वेश्चन। देखो यार, इसमें लीक्स वगैरह आई थी, आपको Snapdragon का 690 वाला 5G चिपसेट मिलेगा, 90 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा रहेगा, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहेगा, ऑक्सीजन OS वाला वगैरह देखने को मिलेगा। तो ये सारे आपको स्पेक्स बताया जा रहा था OnePlus Nord Lite में मिलेगा। प्राइस पॉइंट एक्सपेक्टेड है 20,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगी। और कब लॉन्च होगा, तो 2 से 3 महीने के अंदर ही अंदर आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा लीक्स कहती है। नेक्स्ट यहां पर पूछ रहे हैं सोहेल मलिक, ये बोलते हैं, हेलो भाई कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोले 14,000 रुपए में रियलमी 6 मिल रहा है और 14,500 में पोको M2 प्रो, कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, दोनों में से किसका कैमरा बेटर है? तो मैं आपको स्टिल रिकमेंड करूंगा पोको M2 प्रो के साथ में, जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा जरूर है, लेकिन उसका आउटपुट काफी बेटर है और 720G वगैरह भी मिल रहा है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो पोको M2 प्रो 14,000 रुपए का ऑनलाइन है, 14,500 में मिल जाता है, ले लो, फ्लैश सेल में वैसे भी नहीं मिलता है, वैल्यू फॉर मनी, आप खुश रहोगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मिस्टर पावर, ये बोलते हैं, भाई बेस्ट फोन अंडर 20,000, आई नीड गुड बैटरी, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड एक्सपर्ट कैमरा फॉर 3 ईयर यूजेज, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स का डिस्प्ले वर्सेज रियलमी 6 प्रो का डिस्प्ले, और एक्सिनोस 9611 वर्सेज 720G। तो तीन क्वेश्चन भाई ने ये पूछ लिए। तो पहला मेरा आंसर रहेगा, पोको X2 20,000 रुपये में बेस्ट है, जाके परचेज कर लो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और नोट 9 प्रो और देन 6 प्रो के डिस्प्ले में देखो, अगर आप हाई रिफ्रेश रेट देखते हो तो आपको 6 प्रो में बेटर मिलता है, लेकिन ब्राइटनेस वगैरह देखोगे और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखोगे तो वो आपको रेडमी के फोन में अच्छा मिलता है। और बात रही एक्सिनोस 9611 वर्सेज 720G, ऑफ कोर्स मेरे भाई 720G इज फार सुपीरियर एज कंपेयर टू एक्सिनोस 9611 वाले प्रोसेसर से। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर AK570, ये बोलते हैं, यू आर रियली जेन्युइन टेक यूट्यूबर, लव फ्रॉम गुजरात, मुझे स्पेशली आपकी वीडियो जब कोई फोन लॉन्च होता है तब मैं आप सभी प्रोज एंड कॉन्स कहते हो वो मुझे सबसे अच्छी लगती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि रियलमी 3 प्रो यूजर हूँ, मुझे स्मार्टफोन की बहुत ज्यादा हैबिट हो गई है, मतलब दिन में 5 से 6 घंटा इस्तेमाल करता हूँ, मुझे वो हैबिट कैसे छुड़ाओ, आपको सजेशन दो ताकि मेरी हैबिट कम हो जाए।
तो कम हो जाए तो देखो, आप जॉब वगैरह करते हो तो उस पर ध्यान दो, या अगर आप जॉब नहीं करते हो, कॉलेज वगैरह छुट्टी चल रही है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलो या बाहर कुछ खेलने चले जाओ, एंजॉय कर लो, ऐसा कुछ यहाँ पर आप कर सकते हो। और अगर आपको फ़ोन की हैबिट ही है तो देखो, फ़ोन यूज़ करना कोई बुरी आदत नहीं है। अब 5-6 घंटा मैं भी फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं जो टॉपिक ढूंढने में, वीडियो एडिटिंग में, अपलोडिंग में, इसमें मेरा टाइम चले जाता है। अगर आप 5-6 घंटा गेमिंग कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे फालतू का टाइम पास कर रहे हो, और मतलब और भी चीज़ें जो है, बाकी टिकटॉक वगैरह जो उसके क्लोन ऐप वगैरह पे टाइम पास कर रहे हो, तो भी ये नुकसान है। लेकिन 5-6 घंटा अगर आप यूजफुल तरीके से फ़ोन को इस्तेमाल करते हो, मतलब कुछ यहाँ पर आप यूट्यूब से कुछ हुनर सीख रहे हो या और भी कुछ यहाँ पर चीज़ें सीख रहे हो, या कोई चीज़ में मतलब कुछ ज़्यादा ही आपको अच्छा लग रहा है और काम आने वाली है, इन फ्यूचर आपको काम आएगा, या कुछ कोर्स वगैरह सीख रहे हो, तो वैसा कुछ करोगे तो मोबाइल मेरे हिसाब से यूज़ करना बेकार नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हो वो डिपेंड करता है, तो मैं बोलूँगा यूज़ करो, कर सकते हो, लेकिन कुछ सीखोगे वो मेरे हिसाब से बेटर है। नेक्स्ट पूछ रहे यहाँ पर शेख भाई, ये बोलते सर फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, बिग वाला सेल कब देखने को मिलेगा, प्लीज़ बताओ, मेरे को न्यू फोन लेना है, लव यू ब्रो। भाई लव यू टू। और जो फ्लिपकार्ट का बड़ा बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, देखो सीरियसली बता रहा हूँ बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में, कि मुझे नहीं लगता ये दिवाली से पहले आपको देखने को मिलेगा, ये अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, उससे पहले मे भी जो सितंबर या अगस्त के एंड में छोटा मोटा से जो सेल आता है वो देखने को मिलेगा, तो दिवाली तक के वेट करो, ये दोनों धमाकेदार डिस्काउंट वाले सेल जो आपको अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अक्षय शिंदे, बेसिकली रैपिड फायर टाइप का है, कैसे हो भाई? मैं बहुत ही बढ़िया यार, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, स्नैपड्रैगन 690G वर्सेस स्नैपड्रैगन 710, तो मैं 690G के साथ में जाऊंगा क्योंकि 5G है, फ्यूचर प्रूफ है और नया GPU वगैरह के साथ में आता है। साथ में स्नैपड्रैगन 720G वर्सेस हीलियो G90T, मैं 720G के साथ में जाऊंगा क्योंकि स्नैपड्रैगन के मुझे ज़्यादा आप बोल सकते हो ऑप्टिमाइज प्रोसेसर लगते हैं, एज वेल एज स्नैपड्रैगन 855 प्लस वर्सेस डायमंड सिटी 1000 प्लस। देखो डायमंड सिटी 1000 प्लस मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, और मतलब काफ़ी पावरफुल चिपसेट है और 5G भी है, तो इसके लिए मैं टाई बोलूँगा, मैं किसको भी सेलेक्ट करना मेरे लिए खुद यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे यहाँ पर RLS टेक टिप्स, ये भाई रैपिड फायर बहुत सारे पूछ लिए, बोलते व्हाट्सएप वर्सेस फेसबुक, ऑफ कोर्स व्हाट्सएप, रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्सेस साइड माउंटेड। तीसरा पूछ रहे व्हाई योर लाइक टारगेट इज ऑलवेज 2000, क्योंकि 2000 ही आप पूरा नहीं करते हो, तो 3000-4000 मैं कैसे कर सकता हूँ? ये वीडियो पे कर दो 2000 लाइक का टारगेट, हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे 3-4000 का लाइक टारगेट आपको दे देंगे। साथ में पूछ रहे टेलीफोटो लेंस वर्सेस अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, तो आई विल गो विद अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। ये बोलते हैं नोटिफिकेशन लाइट वर्सेज एज लाइटिंग, मुझे पर्सनली एज लाइटिंग पर अच्छा लगता है अभी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट पूछ रहे रेडमी नोट 8 बेस्ट अंडर 10K प्राइस डिक्रीज हुआ, तो वैसे तो डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन 10000 में मिलता है रेडमी नोट 8 नया मॉडल, ऑफकोर्स सबसे बेस्ट डील है, डेफिनेटली जा सकते हैं अगर 10 में मिलता है तो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सचिन चौधरी, ये बोलते हैं भाई मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? पहले ही बोल दिया यार बढ़िया, ठीक है मैं भी बढ़िया हूँ यार। और ये पूछ रहे इंडिया में 4G कब तक रहेगा? 4G यार आराम से काफ़ी सालों तक चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, 5G आने के बाद भी 4G रहेगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या रेडमी K30 अल्ट्रा का बेस वेरियंट अगर 24000 में आएगा तो क्या वो वैल्यू फॉर मनी होगा? ऑफकोर्स वैल्यू फॉर मनी होगा, 16 में भी आता है तो भी वैल्यू फॉर 16 बोल रहा यार 25000 में भी आता है तो वो वैल्यू फॉर मनी रहेगा। मैं इसका वेट कर रहा हूँ पर्सनली, K30 अल्ट्रा मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर, अब देखते इंडिया में कब आएगा, वैसे आगे चल के मैं आपको एक और एक चीज बताऊंगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर रवि कुमार, ये बोलते हैं रियलमी X3 प्रो कब आएगा और कितने प्राइस पॉइंट पे आएगा? K20 प्रो ले लूँ क्या? K30 का वेट करूँ? प्लीज बताओ, नोट कैंसिल कर दिया हूँ। ठीक है भाई, नोट कैंसिल कर दिया वो ठीक है, और K20 प्रो अभी के लिए मैं बोलूँगा वेट कर लो, K30 जो है आपको 2-3 महीने में K30 प्रो या K30 अल्ट्रा ये दोनों में से कोई स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा तो मैं बोलूँगा 2-3 महीने का वेट कर लो। और X3 प्रो आपको सितंबर के महीने में बताया जा रहा है देखने को मिल सकता है, प्राइस पॉइंट विल बी अराउंड 35000 से 40000 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं राज चौ, ये बोलते हैं लव यू फ्रॉम विदर्भा, लव यू टू फ्रॉम मुंबई। ये बोलते हैं सर मुझे पोको M2 प्रो लेना चाहिए क्या? 664 ले लूँ 3 साल तक के ठीक रहेगा क्या? तो अगर 3 साल चलाना है तो 128GB से कम वाला वेरिएंट कोई भी परचेज मत करना, 6GB रैम एटलीस्ट परचेज कर लेना, कैसे भी टाइप के आपके यूज़र हो तो थोड़ा इन्वेस्ट कर लो, 3 साल चलाना है तो 2000-1000 थोड़ा बढ़ा के 128 ले लेना। साथ में पूछ रहे टेल मी टू बेस्ट फोन अंडर 15K, 15K में बेस्ट यार पोको M2 प्रो है और आपका रियलमी 6i है 13000 रुपये वाला। नेक्स्ट पूछ रहे सर एक पूछना था इंपॉर्टेंट है कि फ्लिपकार्ट में फ्लैश सेल में अगर हमको कोई फ़ोन ऑर्डर किया है और वो सक्सेसफुल हुआ है तो फिर वो क्या बाद में कैंसिल हो सकता है क्या? कर रहे यार सेलर लोग बहुत ज़्यादा नाटक कर रहे हैं,
बहुत सी बार नहीं होता है, मैक्सिमम 90% ऑफ द टाइम कैंसिल वगैरह नहीं होता अपने आप, लेकिन कभी कभार यार सेलर लोग के पास माल नहीं रहता या कहीं और फिर आने का रहता है तो वो लोग कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर तारिक खान, ये बोलते हैं क्या अगस्त की एंड तक के सितंबर में कोई न्यू फोन अंडर 20 के लॉन्च हो सकता है क्या? तो अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कोई भी फोन 20 के में आपको देखने को मिलेगा एक दो महीने में। हाँ, रियलमी 7 आ सकता है आपको सितंबर में देखने को मिल सकता है। साथ में पूछ रहे गेमर्स को कौन सा फोन में क्या इंपॉर्टेंट चीज देखकर फोन लेना चाहिए, क्या एमोलेड डिस्प्ले में गेमिंग ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू आईपीएस से? तो ऐसा आईपीएस एमोलेड से ऐसा नहीं कि गेमिंग अच्छी होता है, एमोलेड में सिर्फ ये कि कलर्स वगैरह आपको पंची मिलते हैं, जो ब्लैक से वो डीप देखने को मिलता है, बाकी उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। और साथ ही में यहाँ पर आप जो पूछ रहे थे कि गेमर को क्या देख के फोन लेना चाहिए, तो गेमर को सबसे पहले प्रोसेसर, उसका जीपीयू, डिस्प्ले, बैटरी लाइफ, कैमरे को छोड़ के हर चीज गेमर को देखना चाहिए फोन में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर दिगंबर लाले, ये बोलते हैं भाई लव फ्रॉम पंढारपुर, लव यू टू फ्रॉम मुंबई। ये बोलते हैं भाई 800 सीरीज वाले पुराने प्रोसेसर लगा के कोई मिड रेंज वाला फोन कोई कंपनी क्यों नहीं बनाती? देखो फॉर एन एग्जाम्पल 845 पोको F1 में मिला था, एसुस 5G वगैरह में मिला था, 2018 का प्रोसेसर है, बहुत सस्ता हो चुका है, ब्रांड आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, 15 से 20 हज़ार वाले फ़ोन में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि 845 अगर 20,000-18,000 रुपये में वो दे देंगे तो उनका फ्लैगशिप फ़ोन 855-865 वाला कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस है, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी वही फ्लैगशिप वाली परफॉर्मेंस मिलती है। और मिड रेंज में अगर फ्लैगशिप प्रोसेसर दे देंगे तो मिड रेंज कौन लेगा? तो उनका फ्लैगशिप में भी माल कट जाएगा, बीच वाला भी माल कट जाएगा, सिर्फ सब जो 45 के साथ में जाएंगे, तो जानबूझ के वो जो लोग यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराते, देने को तो आराम से 20,000 में 845 कोई भी ब्रांड यहाँ पर दे सकता है। तो ब्रांड भी बहुत चालाक रहती है, ऐसा नहीं कि मतलब दिमाग नहीं रहता है, बहुत दिमाग रहता है। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक नहीं करो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट आप तक के सबसे पहले मैं पहुंचा पाऊं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं जौर दिन मियाँ, ये बोलते हैं भाई 15,000 रुपए की रेंज में कोई अच्छा फोन जरूर बताना, लव यू फ्रॉम नेपाल। नेपाल का भाई मुझे पता नहीं, इंडिया में 15,000 रुपए में बेस्ट स्मार्टफोन है पोको M2 Pro, अगर वो आपको वहां पर वही रेट के हिसाब से जो करेंसी चेंज वगैरह करके मिल जाता है परचेज कर लो, बेस्ट स्मार्टफोन है। नेक्स्ट है यहाँ पर RS सिंह, ये बोलते हैं मुझे जो जो फोन में चाहिए था वो सब K30 अल्ट्रा में है, लेकिन वो फोन इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, ऐसा क्यों? अच्छा मौका था नोट को टक्कर देने के लिए। तो नोट को तो आराम से बीट कर देगा, नोट कंपटीशन में नहीं उसके साथ में। और K30 अल्ट्रा न्यूज आई थी कि भाई इंडिया में नहीं आएगा या ग्लोबल में भी नहीं जाएगा, सिर्फ चाइना का प्रोडक्ट है भाई। ऐसी Mi A2 के टाइम पे भी न्यूज आई थी कि सिर्फ चाइना में रहेगा, ग्लोबल मार्केट्स में नहीं जाएगा, लेकिन Mi A2 आया था ना, आया था, पिट गया था वो अलग बात है, लेकिन आपको देखने को मिल गया था। तो K30 अल्ट्रा भी पोको के रीब्रांड में आ सकता है, ये K30 अल्ट्रा के सामने भी आ सकता है, ये K30 प्रो भी आपको देखने को मिल सकता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आपको देखने को मिलेगा, आपको तीन महीना एटलीस्ट आप पकड़ के चलोगे इसी में आपको जो है K30 अल्ट्रा इंडिया में देखने को मिल जाएगा, 99% है भाई, इतना अच्छा फोन वो लोग यहाँ पर स्किप नहीं करेंगे। अगर इंडिया में लाते 25,000 में भी लाएंगे बहुत बिकेगा, और भाई ब्रांड्स को सेल से मतलब रहता है, अपना नुकसान नहीं कराएंगे को अच्छा फोन लॉन्च करके, ठीक है। तो K30 अल्ट्रा उम्मीद हटाना नहीं, डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, मार्क माय वर्ड्स। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर कुल्लू रफीक, ये बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो आप बताना वीडियो में। वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोले भाई K20 Pro में MIUI 12 का अपडेट करने के बाद कह रहे हैं कि हीटिंग इश्यूज, बैटरी डेंट इशू, कैमरा लैगिंग इशू हो रहा है, तो क्या इसे फॉरएवर के लिए रहेगा? फॉरएवर के लिए नहीं रहता है, MIUI 12 का नया नया अपडेट है, तो जो भी बग्स आएगा लोग उस पर काम करते रहते हैं Xiaomi की टीम वाले, और आपको बहुत सारे अपडेट जो हर महीने दो महीने में अपडेट्स मिलेंगे जो कि सारे आपके जो इश्यूज वगैरह सॉल्व हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। साथ में पूछ रहे और एक सवाल है कि पोको X2 और Redmi K20 Pro में कौन सा परचेज करना चाहिए, बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस। थैंक्स भाई, आई लव योर ऑनेस्ट वीडियोज, ऑल्सो शेयरिंग योर वीडियोज विद माई फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लविंग माई वीडियोज भाई। मुझे पता है आप बहुत सारे कमेंट्स वगैरह भी करते हो, और K20 Pro और X2 में डेफिनेटली K20 Pro के साथ में जाओ, फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर शिवेंद्र सिंह, ये बोलते हैं भाई Redmi Note 9 Pro Max MIUI 12 अपडेट कब आएगा, और सेल्फी में नाइट मोड का ऑप्शन कब आएगा? 9 Pro में देखो अभी कुछ ही टाइम पहले MIUI 12 का जो इंडिया में लॉन्च हुआ था ऑफिशियली, उन्होंने वीडियो वगैरह बनाए थे, तो 9 Pro Max में भी जो आपको अगस्त के एंड तक के बताया जा रहा है स्टेबल अपडेट जो है MIUI 12 का इंडिया में मिल जाएगा, नाइट मोड आएगा नहीं आएगा भाई उसके बारे में कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर स्वंकर रॉय, ये बोलते हैं भाई टॉप 5 स्मार्टफोन बताओ अंडर 20 के ऑप्शंस, पोको X2, रियलमी X2, M31S, नोट 9 Pro Max,
मोटरोला वन फ्यूजन प्लस बेस्ट बताओ इसमें बैक टू बैक प्लीज। देखो लगता है आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, मैंने दो दिन पहले यहाँ पर जो है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 की वीडियो बनाया, नहीं देखे हो चेकआउट कर लेना, लाइन से 6 स्मार्टफोन मैंने वहां पर बताया हो, वो देखोगे तो आप लोगों के कंफ्यूजन ही दूर हो जाएंगे। 20,000 में कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन है आपको वैसे ही पता लग जाएगा, तो जाके जरूर से वीडियो को चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सोहेल मलिक, ये बोलते हैं भाई रेडमी नोट 9 प्रो की जो 18 अगस्त को सेल है, क्या आप रेडमी नोट 9 प्रो मिल जाएगा सेल में या फिर फेक सेल होगी? देखो ये अगेन आपको जो है फ्लैश सेल ही देखने को मिलेगा, कोई ओपन सेल वगैरह लोग इतनी जल्दी नहीं करेंगे, मतलब खून चूस चूस के मोबाइल देंगे तो आपको थोड़ा इसमें वेट करना ही पड़ेगा। तो ट्राई करो नोट 9 प्रो, अभी फिलहाल जो कस्टमर है पोको M2 प्रो में कन्वर्ट हो गया, एक और कन्वर्ट हो गया तो मिल सकता है, लेकिन ओपन सेल में नहीं आएगा, फ्लैश सेल में रहेगा। ट्राई करो, मिल जाता अच्छी बात है, नहीं होता तो नेक्स्ट टाइम कर सकते हो। तो बस ये थे यहाँ पर गर्मा गर्म क्वेश्चन के गर्मा गर्म रिप्लाई, आई होप कि आपको एक Q&A वीडियो पसंद आ रहेगी और कुछ नॉलेज गेन करके आप यहाँ पर से जाओगे। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और हाँ भाई कोई भी लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन रह गया या कोई क्वेश्चन अभी के अभी अगर आपके माइंड में आए तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जितना मेरे से होगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आई होप कि मैं सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।